पी न्यूज़ 13 देखते सारे ही स्रोतियां का स्वागत है। मैं हाँ नवी पटवालिया। इस वक्त असी खड़े हाँ हाईवे नंबर 1 के उत्ते जिहड़ा अमृतसर जम्मू कश्मीर नू दिल्ली दे नाल जोड़दा है। साडी लोकेशन है लाडोवाल टोल प्लाजा दे उत्ते जिथे किसानी धरना काफ़ी लंबे समय तो चल रहा है और किसानां दे हमायत दे विच हरेक वर्ग के लोग जिहड़े ओह सामने आ रहे ने। उत्थे ही अमन हॉस्पिटल जलंधर वल्लों जिहड़ियां अपनियां मैडिकल सेवावां सेहत सेवावां ओह किसान वीरां दे लई जिहड़े दिल्ली नू जा रहे ने कि उहनां नू रस्ते दे विच कोई तंगी ना आवे उन्होंने अपनिया जड़िया सेवावान जारी ने। आओ डॉक्टर साहब ना गल कर लें। हाँ जी सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी। डॉक्टर साहब जिहड़ा ये संघर्ष चल रहा है किसानी संघर्ष चल रहा है उन्हों की समझ रहे हो तुसी और की देख रहे हो? संघर्ष तो चलते इन्ना टाइम हो गया हूँ तो बच्चे बच्चे सारे सारे पता लड़ाई वर्सिज मोदी साहब की कारगुजारी के बरखिलाफ जी लड़ाई चलती पी है सरकार की नीति बारे खेतीबाड़ी के बारे जोड़ा इन्ना पुराना समा तो ये बदलाव जोड़ा अचानक किया जिमें नोटबंदी अचानक की प्राइवेटाइजेशन अचानक किया सुधार के नाते पूरा कल्चर ही चेंज कर फिरते ये बहुत सारी चीज़ा आम लोगों हजम नहीं हुई उन्होंने शक पै गई प्राइवेट रेलवे प्राइवेट चीज़ा चलो ये उन्होंने गल छो लेकिन बेसिक आ जिहड़े किसानां तक आ गए पूंजापतियां नूं हुण अगे वधाउण वास्ते सारे यही कहिंदे अंबानी ते अडानी उहनां नूं देता इको राशि ते अंबानी ते अडानी है जिहड़े लगे है ये संघर्ष तां हुण हौली हौली फैलदा जा रहा उत्तों जिहड़ी आ बीमारी एड्डी वड्डी पूरे वर्ल्ड दे विच आई सीगी ये नाल तो भी ज़्यादा वड्डी आ वो सानू तो पंजाब दे विच लभदी नहीं लेकिन ये जिहड़ी सड़क ते बैठे मैं देखिया नौजवान बच्चों के ब्लड प्रैशर वधे हुए आ ओवर वर्क करके पुलिस वाले जीपां ते राती दिन जिहड़े भज्जण डए आ रात दी ड्यूटियां करन डए आ बीमार पैण डए आ असीं देखिया भी ये जिहड़ी सड़क ते इन्नी धुंदी इन्नी ठंड दे विच दिल्ली दे कोल तां बथेरे कोई बंदे पहुंचे आ दिखाउण नूं उत्थे चलो चंगी गल आ असीं इत्थे बहि गए और ये सानू सवेर तो शाम तक फुरसत नहीं आती इन्ने ज़्यादा बच्चे जो जवान बुढ़े इन्हों जी मेडिकल एड की दिमागी भी है तो शरीरक भी है तो मौसम भी है लेकिन एक जनून आ जिदा एक बॉर्डर से खड़ा सिपाही बाकी अपनी सेहत की परवाह ना करके अपनी ड्यूटी की परवाह करता इस हिसाब न यूथ भी तो हर वर्ग का बंदा हर वर्ग तो मेरा भाग है भी इतने इस वेले कोई जात पात ऊंच नीच नहीं हैगी सारे रल के पंजाबी जिहड़े पंजाब के बंदे है या हरियाणा के है या जो राजस्थान के है या वो महाराष्ट्र के है टीवी राही या खबर राही आप देखते रहने सारा कंट्री एक पासे हो के इन्हों घेरन दिया तो यह हूँ कद तक चलना एक क्लैरिटी नहीं हैगी लेकिन जिस हिसाब न चेहरिया ते रौनक चेहरिया ते जिहड़ी चीज़ जिहड़ी बुलंदी देखी जा रही है जोश देखा जा रहा उहदे नाल लगता कि सरकार जिहड़ी है उहनूं मानना ही पएगा ये चीज़ और उहनां नूं मन भी लैनी चाहीदी है जब कोई जिद ते आ जावे नई चीज़ सांझे जरूरत तो ज़्यादा तुहानूं कोई चीज़ कहे आ खाओ आ खाओ फिर बंदा ढिड खराब ही होना ना इस करके जिहड़ियां चीज़ां नहीं लोकां नूं चाहीदियां उह ना देण मैं दो कपड़िया च खुश हाँ मैं तुम दो ही बहुत जो मैं उन्होंने 50 दे के तोरोंगे तो मैं थक जाना रस्ते सुटूंगा इस हिसाब न मैं समझना जोड़ा चल रहा एक रबी देन रब साढ़े नाल इदा लगता नहीं तो इन्ना वाला हजूम अज तक ना तो कोई कर सकिया इन पार्टियां इलैक्शन के बच्चे आईया बहुत सारा कुछ होया लेकिन इन्ना इकट्ठ इन्नी एकता इन्ना जोश कित नहीं देखा यह सब वाहेगुरु की और परमात्मा की और सच्चे बादशाह की मेहर है। सो टीम ने उन्होंने भी गल कर लें डॉक्टर साहब ये सत श्रीकाल जी। हाँ जी ये सेवा चलती घट्टो घट पाँच छः दिन हो चले सेवा और किन्हां वल्लों सारा कुछ तुसी सानू साडे स्रोतियां नू दसो जी।
ਇਹ ਅਮਨ CEH ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।